चर्ची के गार्डन में तो ना दो बच्चे बैठे हुए सिगरेट पी रहे थे। तीन है। सर ने बोला कि उनसे पूछो कौन से डिपार्टमेंट के हो। फाइक भाई वहाँ पे गए उनसे मालूम करने के लिए क्या सिचुएशन है। ओवर के अंदर अपनी हाल कबूल करके बंदे वापसी आ गए हैं बैक टू पवेलियन। बंदा गरम है। ये आपको मैं कुछ कहना चाहेंगे आप कैमरे के अंदर? बॉस ओवर कर लो, चलो बेटा जाओ। अब चूजे की वैक्सीन भी थी ना सर, कह रहे थे कि तकरीबन 25,000 चूजे की वैक्सीन थी। ज़्यादा की थी? कौन सा चूजा है? कह रहे हैं ये चूजा जो अलग किया हुआ है ना भाई के लिए। सर कितना आया इस डब्बे में? या 12-13 डब्बे आए इसके अंदर। दो आ जाएंगे मेरे ख्याल से, दो चार तो और भी आ जाएंगे, क्या कहते हैं? बस सही है, बात भी सही है। आज की वीडियो भी जो है ना अगेन आपको क्या कहते हैं उसी पे दिखाने वाले हैं। स्टार्टिंग करेंगे हम क्रिकेट से और आधी टीम आगे निकल चुकी है। हम लोग यूनिवर्सिटी में ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं, आपको ग्राउंड के हालात दिखाते हैं। और दो मैचेस हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो दोनों कवर करेंगे और अगर नहीं पॉसिबल हुआ तो खाली एक ही कवर करेंगे। तो आपका भाई एक हाथ से बाइक चलाता हुआ जा रहा है क्योंकि सामने कोई भी नहीं है, इसलिए हल्की फुल्की सी बस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के गार्डन में तो ना दो बच्चे बैठे हुए सिगरेट पी रहे थे। तीन है। सर ने बोला कि उनसे पूछो कौन से डिपार्टमेंट के हो। फाइक भाई वहाँ पे गए उनसे मालूम करने के लिए क्या सिचुएशन है। और उनकी हवा सही मानों में जैसे कहते हैं ना वो खुश्क हो गई है। अब होगा क्या उस्ताद? देख रहा है वो मुझे कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रूम में आ गए हैं सर के पास और सर इनका जो ना कंप्लीट में डिटेल में जायज़ा ले रहे हैं। तो बराए मेहरबानी जब भी कोई हो ना तो उसकी ऐसी रेड लगेगी कि वो जलील भी होगा और हो सकता है सर की नज़रों में भी आ जाए। BS प्रोग्राम के अंदर आपको एक चीज़ दिखाते हैं। हमारा भाई एक मैकेनिक है और ये चलती फिरती गाड़ियों में से कार्बोरेटर स्टार्ट कर लेता है। तो खैर सर लूज है तो टाइट करना, टाइट को टाइट नहीं करना। बेटे चलाते हैं, कोशिश के बाद मैकेनिक साहब कुछ भी नहीं निकाल सके। पानी प्लास इनके हाथ में, शाम में पेचकस इनके हाथ में, शाम में कार्बोरेटर वाला काम जो ना वो अच्छा है। तुम इसका फ्यूल पाइप, इसका फ्यूल पाइप फारिग हो गया, इसके दोनों ऊपर के क्लिप फारिग हो गए हैं। जैक लेकर आओ तुम जाके घर से। तो ये वाले काम जो है ना आपको करने पड़ेंगे। इससे पहले मैच की प्रैक्टिस चल रही है आज की और ये किसी और टीम से सिर्फ रफली रखा हुआ है। ये KU का 4th-5th ग्राउंड है जो मैं आपको वीडियोस में दिखाऊंगा। शायद मैंने आपको नहीं दिखाया, कल एक ग्राउंड दिखाया था, एक दूसरा ग्राउंड ये दिखाया है। देख रहे हैं कितनी बड़ी जगह है। तो ये सारी सुकून की जो जगहें मिलेंगी ना आपको KU के अंदर ही मिलेंगी। और बाय चांस अगर आप स्टूडेंट हो KU के तो आपके वारे नहीं आ रहे, आप सारी जगह को एक्सेस कर सकते हो। सुकून से क्रिकेट खेलो, जो खेलना है आपने खेलो। और जिमनेजियम भी आपको इंशाल्लाह एक दिन में दिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें देख रहे हो कितनी बेहतरीन है। अभी हमारी टीम है जिसमें से कुछ लोगों का मैच चल रहा है। ये आ गए हमारे फैज़ मेरे खासे बॉलिंग करा रहा है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और साथ में जो बैटिंग पर है वो दूसरी टीम का बंदा है और वो दबा के रन ले रहा है। माशाल्लाह से एक ही बॉल में 2-3 रन ले लिए, आउट का कोई चक्कर नहीं है। और वो पीछे फाइक खड़ा, आपको फाइक दिखाते हैं। ओए देखते हैं क्या अपडेट बनती है, क्या सीन बनता है, जब तक इंतजार करेंगे सब लोगों का। पहले ओवर की बैटिंग कंप्लीट हो चुकी है और जिया भाई और फैज़ भाई ने माशाल्लाह से 100 रन दिए हैं, 4 ओवर के अंदर लिए हैं और अब बैटिंग के लिए तैयार हैं। भाई बैटिंग नहीं करो, छोड़ दो, ऐसी हार जाओ, ऐसी हार मान लो। 4 ओवर में 100 रन, फी ओवर 25 रन। अबे 25 कैसे आ गए, 6-36 तेरी खैर। ये माशाल्लाह से टीम में गर्मा गर्मी हो रही है और 100 ओवर के अंदर कितने हो गए, 4 ओवर में 100 के करीब रन हो गए माशाल्लाह से। मैं कह रहा हूँ आप मैच को छोड़ दें बीच में, यही सबके लिए बेहतरी है। हमारी बैटिंग भी आ गई है और ओवर स्टार प्लेयर आसिफ भाई फ्रॉम बाटा फाटा। आसिम भाई ये अगरबत्ती फेंक दो, अगरबत्ती साथ में रखनी चाहिए आपको। तो एक टीम चली गई है 90 रन, देखते हैं पूरे होते या नहीं होते। और आपको क्या लगता है? प्रोग्राम तो बढ़ गया, प्रोग्राम तो बढ़ गया। मेरे हिसाब से प्लान ये करना चाहिए कि 4 ओवर में सबको देना वो विकेट मिले। यार गाली नहीं बको, इसमें लगे हुए हैं माशाल्लाह से ये बहुत खूबसूरती से। और एक बॉल और मिस कर दी है इन्होंने। यार मैं जब भी क्रिकेट नहीं खेलता, जल्लत बहुत होती है क्रिकेट में। ओवर के अंदर अपनी हाल कबूल करके बंदे वापसी आ गए हैं बैक टू पवेलियन। बंदा गरम है। ये आपको मैं कुछ कहना चाहेंगे आप कैमरे के अंदर? बॉस ओवर कर लो, चलो बेटा जाओ, अब मैच नहीं खेलना, तुम लोगों ने नाम कटा दिया मेरा।
ना दूसरा मैच शुरू हो गया है यहाँ पे और हमारी टीम के बंदे बैठे हैं। बस आपको एक चीज़ दिखाएंगे उसके बाद निकल जाएंगे। ये दूसरा ग्राउंड है, पहले वाला जो ग्राउंड था ना वो थोड़ा सा डिफरेंट था और हम जो है ना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बंदे के शॉट के इंतज़ार में बैठे हैं। जिया भाई हैं साथ में हमारे, शबी भाई साथ में, ये हमारा अजीबो गरीब दोस्त छक्का दिखा हो गया है निकाल मोहमय हो गया। अब दूसरे बंदे का वेट करते हैं, छक्का कौन लगाता है। अच्छा भाई यूनिवर्सिटी के जंजाल से निकल चुके हैं, अब जो है ना वो आ गया मिस्री के पास, इनको भी फीड डाल दी है और अब जो है ना आगे का प्लान वो कुछ ये है कि आज जो बचा कुचा काम है क्या करना है। सबसे पहले तो ब्रॉयलर का चूज़ा है, इंशाल्लाह ताला उसको डिलीवर करवाना है, जाके एचरी में देखना है क्या सिचुएशन है उसकी। तो हो सकता है वहाँ पे थोड़ी शाम हो जाए, देर हो जाए, क्योंकि जो बंदा था ना जिसकी गाड़ी जिसने लेके जाना है उसकी गाड़ी ख़राब हो गई है। नॉर्मली तो 3-4 बजे तक चूज़ा निकल जाता है, अभी शायद थोड़ा सा लेट हो जाए पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होगी, दूसरी चीज़ मैं शायद इनको आज ही शिफ्ट कर दूँ और शायद मैं इनको कल शिफ्ट करूं, तो ये काम भी अभी मैं देखूंगा। अभी मैंने सबको फीड वगैरह डाली है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी रहती हैं जो करनी बाकी हैं। और लेयर की भी तरह हाय हेलो दे दूं मैं आपको, लेयर की क्या सिचुएशन है और उसके बाद आपको बताते हैं आगे की अपडेट। लेयर से मुराद है जो हमारी गोल्डन मिस्सी मुर्गी वाली अपडेट है। देख रहे हैं चूज़ा थोड़ा सा है ये, लेकिन है बहुत ज़्यादा फ्रेश और मुझे यहाँ की सफाई करनी है यार। कल की तारीख में मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, काम बहुत सारे हैं, दिल करने को है नहीं। थोड़ा सा देना जब थक जाता ना बंदा तो दिल ही नहीं करता करने का, तो जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं और उसके बाद आपको देते हैं आगे की अपडेट, ठीक है। अच्छा भाई एचवी में आ गए हैं और बाइक रोकने से पहले ही, तेरी खैर बाइक रोकने से पहले ही हमने कहा आपको ज़रा चीज़ें दिखा दें। ये हमारा शहजादा और माशाल्लाह से क्रिकेट जिसका हमने आपको ब्रेक दिखाया था ना उसमें ये माशाल्लाह से, पहले अपने मुँह से बताएं क्या हुआ भाई। मैंने पहले ही बोला था प्रोग्राम तो बढ़ गया, अभी आ गए हम बेइज्जती से आ रहे हैं भाई, आ जाओ आ जाओ ब्लॉग बना, बेइज्जती से आ रहे हैं बड़े तरह बुरी तरीके से। खैर हम यहाँ पर आ गए भाई चूज़ा लेने और चूज़े की आपको थोड़ा अपडेट वगैरह दिखाते हैं क्या सिचुएशन है, क्या प्लान है, क्या चीज़ें हैं। वो यार चार्जर लेना याद रखना, वापसी में मेरे पास कोई और चार्जर नहीं पड़ा हो। तो दो चूज़ों में गाड़ियों में चूज़ा जाएगा, चूज़ा टोटल 2500 के करीब है, इसमें से 100 मैंने घर लेके जाने हैं, बाकी जो रिमेनिंग है ना वो इंशाल्लाह जाएगा गाड़ियों के अंदर। तो दोनों गाड़ियाँ लाइन से लग गई हैं, एक कल्टस दूसरी भी कल्टस, एक नई कल्टस एक पुरानी कल्टस। चूजे की वैक्सीन भी थी ना सर, कह रहे थे कि तकरीबन 25,000 चूजे की वैक्सीन थी, ज्यादा की थी। कौन सा चूजा है कह रहे हैं, ये चूजा जो अलग किया हुआ है ना भाई के लिए उसकी एक दफा मैंने काउंटिंग कर लिया, आसानी हो जाएगी। नहीं है 110 काउंट कर रहे हैं, कह रहे हैं 100 से तो ज्यादा ही लग रहा है, इसकी एक दफा अंदाजा हो जाए काउंटिंग करके है कितना। और बाकी का जितना भी चूजा है ना वो सारा का सारा पीछे की तरफ रखा हुआ है, बाकी वो 2500 चूजा पीछे कितना है, 110 है ऊपर है दादा, बस सही है चल जाएगा, उसको डब्बे में डाल देगा। हाँ तो भाई चूजा जो है ना अब बाकी का जो रिमेनिंग का है सारा का सारा दोनों में डिवाइड करके जाएगा चूजा। मेरा ख्याल था कि सुजुकी भेज देते तो ज़्यादा आसानी रहती, ये दोनों गाड़ियों का किराया भी ज़्यादा है, हब जाएंगी गाड़ियों, तो ये गाड़ी दोनों की दोनों दोनों हब जा रही है और चूजा सारा का सारा लाइन से रखा हुआ है। टोटल कितने हैं ये डब्बे, 25 डब्बे हुए और ये एक उसका जिनका 100 है उनका है। हाँ 100 नहीं 110 है पूरा, इसके अंदर डाल दें। बाकी ये सिचुएशन है कि चूजे के जो है ना गाड़ी में लोड कराना शुरू कर दिया है और कुछ 10,000-1200 करीब भाई इसमें एडजस्ट कर लेंगे, बाकी का जो रिमेनिंग है ना वो किसी और चीज़ में एडजस्ट करेंगे। देर बहुत हो गई है, रात का टाइम है, मैं आपको दिखाऊँ जरा चूज़ा यहाँ पे, देखें देख रहे हैं अभी डिसाइड यही हो रहा है कि चूज़ा जो ना कहाँ पे किस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा। देख लो भाई सुबह से व्लॉग शुरू किया था, रात हो गई है और काम जो है ना चलते रहते हैं। है उस्ताद मैं कह रहा हूँ व्लॉग सुबह शुरू किया था और उसके बाद जो ना अभी भी काम चल रहे हैं और ख़त्म मेरे हिसाब से ज़रा बहुत देर से होंगे भाई। जब मेहनत वाला काम है तो इंशाल्लाह ये है कि फिर मज़ा भी आ रहा है भाई, यही है मेहनत वाला काम है, हमारा काम हो किसी का भी काम हो मेहनत होती है, गला भी बैठा हुआ है लेकिन जाहिर से बात है ना रिटर्न भी तो आप ही को मिलना है। तो अगर आप लोग भी काम कर रहे हो तो मेहनत से नहीं कतराना, काम जो करना है ना वो तरीके से करना है। तो अभी बस जल्दी से लोड हो जाइए, इसका इंतज़ार है, लोडिंग कम्प्लीट होगी उसके बाद डिसाइड करेंगे किस तरीके से जाएगा, क्या सिचुएशन होगी। बिल्ली बैठी हुई है चूज़े के चक्कर में,
अभी जो ना गाड़ी लोड हो रही है, मैंने कहा उससे पहले दोनों एक थोड़ा सा आइडिया दे दें चूज़े का आपको। लाइट जला के दिखाते हैं ज़रा तरीके से। मैंने एक चूज़ा उठा लिया, डब्बा जिसे कहते हैं ना। फैज़ भाई ड्राइवर का इंटरव्यू ले रहे हैं, क्या सिचुएशन है, किस तरीके से रखना है। और हमने एक अपना खातून मासूम सा चूज़ा उठा लिया और इससे दोनों अंदाज़ा कर रहे हैं। सॉरी यार थोड़ा सा एनर्जी लेवल लो है, इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करो क्योंकि रात का टाइम हो रहा है। अभी घर जाके मुझे और भी थोड़े बहुत काम करने हैं, तो इसलिए थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना लो एनर्जी बर्दाश्त करो। ये दिन होता है ना दिन में इतना खूबसूरत लगता है चूज़ा, खैर अब भी लग रहा है। चूज़े की खूबसूरती है ये, चूज़ा कभी भी वो बड़ा खूबसूरत लगता है, देख रहे हो माशाल्लाह से। तो बस जल्दी जल्दी से इसको पैक कराते हैं और उसके बाद आपको आगे की अपडेट देते हैं। सर कितना आया इस डब्बे में? यार 12-13 डब्बे आए इसके अंदर। दो आ जाएंगे मेरे ख्याल से, दो चार तो और भी आ जाएंगे, क्या कहते हैं? बस सही है, बात भी सही है। उसमें आपके 12 आएंगे, 25 डब्बे आएंगे, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर। लास्ट टाइम 12 लग के लेके गए थे मेरे हिसाब से, आप 13 लग के लेके था बस, बाकी उसमें रख लेगा, ये कर ले मुनासिब रहेगा। चूज़ा भाई बेहतरीन है, मैंने चूज़े की क्वालिटी अलग से जाके वीडियो में दिखाई है। और जब तक ये लोड वगैरह हो रहा है ना तब तक का बस इंतजार कर लेते हैं हमारा क्या सिचुएशन है। बाकी भाई 100 चूज़ा जो है वो आगे का बुक है, और वो हमने किसको देना है? वो हमारे एक और सब्सक्राइबर है भाई, नाम तो हम नहीं लेंगे। हाँ एक और सब्सक्राइबर है, खैर उनसे उनको मिल जाएगा भाई। जिसको भी चूज़ा चाहिए वो कॉन्टैक्ट कर सकता है मुझसे, कर ले फैसे कर ले, नंबर स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा, कोई मसला नहीं है। आप आराम से करें कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह ताला आपको चूज़ा मिल जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। बस ब्रॉयलर के चूज़े का ये सीन होता है कि चूज़े का जो रेट है ना वो अलग होता है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये बंदा गाँव का है और शाम के अंदर तो ना काम से फ्री होने के बाद ये गैस कर लें किससे बात कर रहा है। बाकी हल्का फुल्का सा जिसे कहते हैं ना चूज़ा बस रेडी हो रहा है, ये फाइनल हो जाए ना चीज़ें तो हम इस व्लॉग को भी एंड करें और हमारे लिए भी थोड़ी सी आसानी हो जाए। चले एक काम करते हैं, जैसे ही एंड होता है उसके बाद आपको अगला व्लॉग रिकॉर्ड करके दिखाएंगे। अभी एक गाड़ी तो हो गई अच्छे से फुल और दूसरी गाड़ी जो है ना वो चल रही है फुल। अच्छा भाई एक चीज़ मैंने आपको बतानी थी, इस गाड़ी में चूज़ा लोड हो गया, उसमें लोड हो रहा है। उससे पहले एक चीज़ थी भाई, वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि आप लोगों को पता है कि यार हम लोग चूज़ा सेल आउट करते हैं और चूज़ा जो होता है वो शायद मार्केट से 1-2 रुपए रेटों में ज़्यादा हो, अक्सर ऐसा होता है क्योंकि क्वांटिटी लोगों की कम होती है भाई। ये 2500-3000 क्वांटिटी जो है ना ये भी कम है, और कोई हमसे इस क्वांटिटी में ले बड़ी क्वांटिटी में ले रेटों में हल्का फुल्का सा फ़र्क होता है। लेकिन उसका पता है आपको रिटर्न क्या मिलता है? उसका रिटर्न ये मिलता है कि भाई आपको चिक्स ए क्वालिटी के मिलते हैं, ऐसा नहीं होता कि चिक्स आपको बी ग्रेड कह के दे दें। उसके बाद जैसे बात है इन्होंने हमसे एक आध दफ़ा लिया था और 100 भी लिए इन्होंने, 500 भी लिए इसी गाड़ी के अंदर। आप लोगों ने जाते हुए लास्ट में 1500 भी देखे, 1200 सॉरी, और आज माशाल्लाह से 2500 चूज़ा जा रहा है। तो यही है कि चूज़ा जो होता है वो सेल करते रहते हैं, बस शर्त ये होती है कि तरीके से चूज़ा पैक करके डिलीवरी दें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। बाकी भाई आप लोग भी काम करने का सोच रहे हो तो बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट लो और छोटे से स्टार्ट ले लो, इंशाल्लाह ताला आज नहीं तो कल आप लोगों का भी चूज़ा इतना ही जाएगा। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। हम लोगों ने भी भाई 200 से स्टार्ट किया था और आज माशाल्लाह से मिस्त्री का भी अच्छा खासा काम है, इतना काम है कि कम से कम दिल को सुकून रहता है कि यार बहुत मुनासिब काम है। कि छोटी सी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप घर पे बैठ के सुकून से अच्छे पैसे कमा सकते हो, और उसके साथ साथ जो है क्या नाम है इसका ब्रॉयलर का भी अच्छा खासा काम है। ब्रॉयलर भी इंशाल्लाह बड़े स्केल पे पालने वाले हैं, कुछ अभी प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, जरा प्रैक्टिकल फाइनल हो जाए हमारे ब्रॉयलर को लेके, तो उसके बाद केज फार्मिंग के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे अल्लाह ने चाहा। तो वो भी आप देखोगे कि कहाँ से शुरू किया था कहाँ पे चले जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अगर आप लोगों का सब वो रहा क्या कहते हैं आप लोगों की हेल्प रही तो इंशाल्लाह ताला हम चलेंगे आगे। अच्छा भाई एक चीज़ थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो मार्केटिंग पर्पज़ पे नहीं थी, वो इसलिए थी कि भाई आप लोगों ने माशाल्लाह ज़रूर कहना है, अगर माशाल्लाह कहोगे तो ही हम लोग वीडियोस बनाएंगे, वरना सीधी सी बात है ना यार एक टाइम के बाद दिल भर जाएगा और वीडियोस वगैरह जो है ना वो बनाना कम कर देंगे हम। पूरा डब्बा मान रहे हैं, हमने कहा आपको एक दफ़ा और आइडिया दे देते हैं उसके बाद निकलेंगे आज की वीडियो कंप्लीट करके, क्योंकि वहाँ पे सारा काम ख़त्म हो गया है अच्छे से जिसे कहते हैं ना, और यहाँ पर भी जो है ना वो तरीके से काम हमारा मुकम्मल हो चुका है। फैज़ भाई फाइनलाइज़ कर रहे हैं चीज़ें कुछ बची कुछ कॉल के ऊपर, और हम यहाँ पे बस सुकून से जिसे कहते हैं ना अपना बचा कुचा काम एंजॉय कर रहे हैं। तो बस यार यहीं का ब्लॉग इतना ही था, और होप करते हैं कि आपको अच्छा लगा हो, ये चूज़ा भाई के पास जाए खैरियत से जाए, अच्छा रहे बरकत रहे चूज़े के लिए, दुआ करेगा आप लोग भी हम लोग भी करते हैं, और जिसे कहते हैं ना तरीके से लोड होके पहुँच जाए ना भाई। वीडियो कर देते हैं, और अगर वीडियो लंबी हो गई तो उसको यहीं पर ही एंड कर देंगे, वरना मुझे एक छोटा सा काम और है और चूज़ा जो है ना बचा कुचा भी मैंने डिलीवर करना है, इसलिए बस वीडियो को जल्दी से हम करते हैं एंड। अच्छा भाई बात सारी है कि अभी क्या टाइम हो रहा है भाई बताना यार? 8:30 बज रहे हैं।
और 8:30 बज रहे हैं इस टाइम के ऊपर और हम सुबह यूनिवर्सिटी के अंदर थे। ये भाई साहब तो घर भी नहीं गए, इसका बैग जो वहीं पड़ा हुआ है वहीं पड़ा हुआ है ना भाई। मैं देख लो उसी हालत के अंदर हूँ घर पे जाके, मैंने खाना तक नहीं खाया भाई, मेहनत के लिए करना पड़ता है, खाना भी नहीं खाया। तो भाई एक छोटा सा मैसेज है आप सब लोगों के लिए जो जो लोग काम कर रहे हैं, और वो ये है कि भाई अगर आपने हलाल रोजी कमानी है ना तो कम से कम मेहनत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, इंशाल्लाह ताला कोशिश करते रहो, बाकी रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है, अल्लाह की है। तो कोशिश करना जो है ना आप लोगों के बस में, बस देखिए हमारा जो है ना मेन एम वीडियोस का वो ये है कि प्रमोट करना है लोगों को कि आप लोगों ने अगर काम करना है ना तो एक पॉजिटिव साइड भी जाए, ऐसा नहीं जाए कि हर तरफ मायूसी मायूसी हो, कि ये भी एक ऑप्शन हो ना कि यार अगर आप मेहनत करो तो आप उसमें इंशाल्लाह ताला अच्छे पैसे भी कमाओगे, मजा भी आएगा और आपका जो है क्लाइंट भी बनेगा और आपको कल को काम करने में मजा आएगा। और कम से कम आपके जहन में ये नहीं होना कि सब हलवा है हलवा है, यार कितनी बिल्लियां हैं, 40-50 बिल्लियां दिखी मुझे यहाँ पे, यार यही बात है सारी। मैं क्या एक कोई चूरा डाल दे इनको पागल है, गुना मिलेगा। अच्छा भाई एक चीज है, वीडियो का एंड करते हैं, शोर बहुत ज्यादा आ रहा है, बल्कि एंड नहीं करता कि अपडेट देनी है ये कि भाई जिनको चूता डला है 2500 इनका फॉर्म की वीडियो रिकॉर्ड करें, क्या कहते हो? इंशाल्लाह जरूर करेंगे भाई, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, कमेंट जितने आएंगे उस हिसाब से देख लेंगे भाई। एक काम करो ना, आप लोगों को मिल रहा है एक छोटा सा आइडिया कह रहा हूँ मैं, 200 कमेंट कर दो, 200 बहुत ही ज्यादा होगा, 200 कमेंट कर दो ज्यादा सही है भाई, कम से कम 200 कमेंट करो आप लोग, जैसे 200 कंप्लीट होंगे उसके अगले दिन हम पहुंच जाएंगे, हब जाना है कम से कम 40-45 किलोमीटर दूर है हमारी जगह से। और सबसे बड़ी बात भाई, जगह दूर की बात नहीं है, जगह कितनी खतरनाक है ये भी बताओ। जगह भाई अच्छी खासी खतरनाक जगह है, अनसिक्योर प्लेस है, लेकिन अगर आप लोग कहोगे तो वहाँ पर भी चक्कर लगा लेंगे और चूजे की अपडेट देंगे 2500, लेकिन शर्त ये है जैसे 200 का वीडियो कंप्लीट हो जाए, 200 कमेंट कंप्लीट हो जाएंगे उसके वेरी नेक्स्ट डे हम लोग आपको वहाँ पर मिलेंगे। और लाइक्स का भी रख देता भाई, लाइक्स भी कम से कम 300 करा दो यार, लाइक तो हो जाएंगे, कमेंट नहीं आते, 200 कमेंट का रखो इंशाल्लाह फिर टाइम। बस सही है, सही डन हो गया भाई, 300 लाइक्स कर लिए, 200 कमेंट कर लिए, बहुत आसान टारगेट है, कुछ भी नहीं लिखो, बस माशाल्लाह लिख दो और वेल डन लिख दो, कुछ भी लिख दो, माशाल्लाह लिख दो, जो पड़ेगा उसको भी सवाब मिलेगा। तो भाई बस चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए मुझे भी इजाजत है भाई, घर जा रहा हूँ मैं, जाओ घर जाओ बेटा, कुछ खाओ पियो। अच्छा भाई वीडियो को एंड कर देते हैं आज यहीं पर ही, और मैंने आपको बताया था कि आज हमने यहाँ पे चूज़े शिफ्ट करने थे, कल हमने इस जगह की सफाई वगैरह करी थी बड़ी प्रॉपर तरीके से, लेकिन अफसोस अब हम चूज़े यहाँ पे शिफ्ट नहीं करेंगे। और आप देख रहे हो कल मैंने सफाई करी थी जगह क्या हाल हो गया, उसकी वजह पता ही क्या है, उसकी वजह ये है कि यार अभी नोटिफिकेशन मैंने देखा यूनिवर्सिटी का कि ख़तरनाक वाली बारिश एक्सपेक्टेड है और जगह जगह पर उसके नोटिफिकेशन चल रहे हैं, तो अगर बारिश हुई खुदा ना करे वैसे अल्लाह करे हो बारिश, तो हमारा शहर जो है ना वो इस काबिल नहीं है कि उसमें बारिशें हो सकें, और ये जगह मेरे घर से थोड़ी सी दूर है, तो इनकेस अगर बारिश हो गई तो मैं अपने चूज़े की केयर कैसे करूँगा, क्योंकि बड़ा चूज़ा तो अगर मैं कहता हूँ ना रात भर भी भीगता रहे तो मैं इसको अगले दिन पैनाडोल दूंगा, इंशाल्लाह एक चूज़ा भी नहीं मरेगा अल्लाह ने चाहा तो, लेकिन छोटा चूज़ा अगर डिस्टर्ब हो गया तो उसको देना संभालने में वो मसले होते हैं मैं आपको क्या बताऊँ, तो इसलिए डिसाइड ये किया है कि उस चूज़े को अभी वहीं रहने देंगे, आपको चक्कर आ गए होंगे उसको देख देख के। मैं एक काम करता हूँ वीडियो को पॉज कर देता हूँ, अब डाल दिए फिर अब तरीके से ज़रा बात कर लेते हैं। तो भाई डिसाइड ये किया है कि फिलहाल इस चूज़े को यहीं पे रहने देंगे, उस चूज़े को छोटे चूज़े को और बड़े चूज़े को यहाँ पे अपने फीड डाल दी, खुदा ना करे वो बीमार हो गया तो बहुत मसला हो जाएगा, और मुझे पता है मैं वहाँ से उठ के रात में नहीं आ सकता यहाँ पे, तो फालतू में रिस्क लेने वाली बात है। बाकी ब्रॉयलर्स वगैरह की सबकी खैर है, ये सर्वाइव कर जाएंगे, अगर हल्की फुल्की इन पर छींटे पलट भी बरस भी गई, लेकिन मैं एहतियातन चारों तरफ पर्दे डाल दूंगा कि अगर बारिश रात को तेज़ हो तो कम से कम बाकी सारी चीज़ें बच ही रहें, तो हो सकता है कल वाला सरप्राइज, नहीं कल वाला नहीं मंडे वाला सरप्राइज थोड़ा सा डिले हो जाए जस्ट बिकॉज ऑफ रेन। तो अभी चीज़ें क्या हैं, अभी इसको ऐसे चलाएंगे हम और इंशाल्लाह आपको मिलेगी यहाँ की अपडेट कल। तो बस भाई आज की वीडियो करते थे यहीं पर एंड, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें ताकि हम आपके खातिर बहुत दूर चले जाएं। मैंने आपको बता दिया 200 कमेंट प्लस 300 लाइक्स, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि वीडियो जैसी भी लगे कमेंट में अपनी राय का इजहार मुझे ज़रूर किया करें, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कोई हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहता है तो वो पोल्ट्री फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकता है, बहुत ही मुनासिब कीमत है भाई, 2500 रुपीज़ के अंदर आप लोगों को गाइड करते हैं प्रोफेशनल फार्मिंग। मुझे फार्मिंग का एक्सपीरियंस हो चुका है कितना, 6 साल का, और हम यूनिवर्सिटी के अंदर 3 साल से सिर्फ पोल्ट्री पढ़ लें, और हमारा ओढ़ना बिछोना सिर्फ पोल्ट्री है। तो कोई ऐसा बंदा जो शुरू कर रहा है या कर चुका है या करना चाह रहा है, दोनों के लिए भाई हम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, तो बराए मेहरबानी अगर कोई ख़रीदना चाहे और सीखना चाहे तो वो भी बाय कर सकता है, 2500 रुपीज़ फीस है उसकी, इसमें हमारा एक वीडियो बेस्ड कोर्स है, तो वीडियो लंबी हो रही है, डिटेल्स आप मुझसे व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, नंबर आपको मेरा स्क्रीन पे मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।